गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज के देखेंगे 29 अक्टूबर करंट अफेयर वीडियो को। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे आपकी दिवाली बहुत अच्छे से रही होगी। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत और किस देश ने पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए 3 देश परियोजना का अन्वेषण किया है? तो क्या फ्रांस और भारत ने, भारत और फ्रांस ने अपनी हिंद प्रशांत रणनीति के एक इसे के रूप में पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाया है। तीसरे देश की सूची में पश्चिमी हिंद महासागर में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स शामिल है। ये देश आर्थिक और विकास साझेदारी का पता लगाने के लिए वर्तमान में रियूनियन द्वीप समूह है में पहली बार मिल रहे हैं। वी मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री, ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो, केंद्र सरकार अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने के लिए किस को पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रहा है? तो बना रहा है लद्दाख को। केंद्र की योजना लद्दाख को पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, जो पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा पर संचालित है। नवीनतम यूटी के पास लगभग 30 मेगावाट की छोटी पन बिजली परियोजना, जिनके साथ सरकार और सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। लद्दाख में क्या है, विकिरण कारण के कारण देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सौर ऊर्जा उत्पादन रेंज अपेक्षाकृत अधिक है? वो है 6 से 8 यूनिट प्रति वर्ग मीटर में। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न में से कौन सा भारतीय परमाणु सौर ऊर्जा स्टेशन देश में पहला है, जो 28 अक्टूबर 1979 को स्थापित किया गया था? तो वो है तारापुर। तारापुर का महाराष्ट्र में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, भारत में निर्मित पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जिसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर 1969 को चालू हुआ था। यह पावर स्टेशन द्वारा संचालित है। रिएक्टर वर्तमान में तमिलनाडु के कुंदलम परमाणु सौर ऊर्जा संयंत्र के बाद भारत में दूसरा सबसे शक्तिशाली है, जिसमें 160 MW के 2 BHWR और 540 MW के 2 PHWR रिएक्टर है, जो कुल 1400 MW है। क्वेश्चन नंबर 4, पांचवें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, जिसका 5 से 8 नवंबर तक चलेगा, वो कोलकाता में होना है। रामनाथ गोविंद IISF 2019 का उद्घाटन करने जा रहे हैं कोलकाता में। बिस्वा, बांग्ला इनोवेशन सेंटर और साइंस सिटी घटनाओं के प्रमुख स्थल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के किस स्थान पर अपनी हालिया खुदाई में 2000 साल पुराना समुद्री जो है केंद्र पाया है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने IASI ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्य में स्वर्णमुखी नदी के, कहाँ पे, स्वर्ण नदी के तट पर के पास 2000 साल पुराने एक व्यापार केंद्र की खोज की है। ASI की टीम ने ईंट निर्मित संरचनाओं, भगवान विष्णु की 4 शस्त्र मूर्तियों का पता लगाया। खुदाई के पहले दौर में टेराकोटा पाइप को तोड़ा दिया है। कृष्ण घाटी के सातवाहन इच्छुवाहु काल में ईंटें आम थी, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार देवताओं की मूर्ति पल्लव काल की थी। खुदाई का दूसरा दौर नवंबर दिसंबर 2019 में होने जा रहा है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसकी स्थापना हुई थी 1871 में। कब हुई थी, 1871 में, और अलेक्जेंडर ने इसकी स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनहिम ने इनकी स्थापना की थी। ASI के पहले निदेशक भी यही थे। और जो आज का सवाल है, जिसको आपको आंसर देना है, वो है हाल ही में प्रकाशित इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से ये कौन सा संगठन जो है रैंकिंग प्रकाशित करता है? आपको बताना है ये जो रैंकिंग है कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। आपका आंसर नीचे कमेंट के द्वारा जरूर दें। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। इनमें से कौन सा है जो संगठन है ये रैंकिंग प्रकाशित करता है? आपको नीचे कॉमेंट के द्वारा आंसर देना है। जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वो है, पंकज कुमार को किसके नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो उसका सही आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UDI, यानी जिसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, उसका नया CEO नियुक्त किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।